नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। इंडस्ट्री गोरखपुरिया धौड़ा स्थित गर्म ओबी की चपेट में आने से सैरून निशा नामक 35 वर्षीय महिला झुलस गई। वहीं साथ में मौजूद तो उसके बच्चे सलमान और अरमान बाल बाल बचे। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे। शंकर कुमार के नेतृत्व में हंगामा करते हुए 2 घंटा कार्य ठप कर दिया गया। हंगामा के बाद आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने घायल सैरून निशा को इलाज के लिए जोड़ा फाटक रोड स्थित एक अस्पताल में ले गए, जहां उस महिला का इलाज कराया जा रहा है। घायल महिला ने बताया कि वे गुरुवार की सुबह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इंडस्ट्री स्थित झाड़ियों में शौच करने गई थी। घायल महिला का पति हमीद टोटो चलाता है, तभी वहां आउटसोर्सिंग की ओर से गिराए जा रहे गर्म ओबी की चपेट में आ गई, जबकि दोनों बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। अस्पताल भेजे जाने के बाद आउटसोर्सिंग का काम शुरू कराया गया। घटना की जानकारी पाकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रिंकू शर्मा ने विश्वकर्मा के परियोजना पदाधिकारी से बात कर महिला को समुचित इलाज कराने व आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की और कहा कि अगर इस महिला को मुआवजा नहीं दिलाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कोई वो भी गर्म का हवा से उनका पैर में थोड़ा सा भाप लग गया है, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। ऊपर वाला का शुक्रिया है कि जो कुछ नहीं हुआ है और उनके नहीं एकदम नॉर्मली है। भगवान का, अल्लाह का और भगवान का मर्जी है कि बहुत नॉर्मल हुआ है। और जब कंपनी के जो भी देख रेख को मालूम चला तो लोग तत्पर है, आए हैं, खड़े हैं, इलाज के लिए खड़े हैं। जो भी इलाज होगा क्या बोले, यहाँ पर यहाँ 5-6 दिन का घर का परिवार लोग आए हुए हैं। एक तो सिंगल है, हाँ एक महिला है, अब बड़ा नॉर्मल है। कंपनी का जो भी होना चाहिए रिस्पॉन्स वो पूरा कर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और इलाज हो जाएगा बढ़िया से। बच्ची को ज्यादा चोट नहीं लगा है, ये ऊपर वाला का कर्म है।